दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब जो है 30 सितंबर तक मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर, 8 करोड़ लोगों को होगा फायदा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। अब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जनता को दिए जाने वाले फ्री गैस सिलेंडर योजना की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर तक जो है मुफ्त गैस सिलेंडर प्राप्त किए जा सकेंगे। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होकर प्रभावी माना जाएगा, यानी कि दोस्तों 1 जुलाई से इसे सितंबर तक 30 सितंबर तक जो है वैध कर दिया गया दोस्तों। तो यह जो है दोस्तों यहाँ से देखिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए यह ऐलान किया है। उन्होंने यह कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इस योजना का विस्तार निर्धन वर्ग के लोगों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। सरकार के इस फैसले से जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े 8 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। कोरोना संकट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निर्धन परिवारों को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, पैकेज का तहत जो है अप्रैल 2020 से जून 2020 तक 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा सरकार ने की थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत भी की थी दोस्तों। तो लॉन्च होने के बाद से ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कमजोर वर्ग के परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था दोस्तों। यह योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो दोस्तों उस समय जो है यह योजना सिर्फ बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए ही यह स्कीम लॉन्च की गई थी, लेकिन बाद में देखिए दोस्तों इस योजना का दायरा बढ़ाकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना के लाभार्थी को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। वर्तमान में सारे गरीब परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। यह नियम देश भर में लागू है। इस योजना की विस्तृत जानकारी यदि आप चाहते हैं तो यहां से देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना .gov.in पर जाने के बाद यहां से आप कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है अपना एक आधार कार्ड लगेगा और सब प्रमाणित करना होगा कि आप निर्धन वर्ग के प्राणी हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आप जो है इसका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। तो यदि आप इसका फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको जो है इसका फॉर्म मिल जाएगा हिंदी में दोस्तों, और यहाँ पे अंग्रेज़ी में भी इसका फॉर्म मिल जाता है दोस्तों देखिए फॉर्म का प्रारूप कुछ इस तरीके से होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। तो हिंदी में आप इसे डाउनलोड करेंगे, सब कुछ यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है दोस्तों। तो इस फॉर्म को भरने के बाद जो है आपके अपने नज़दीकी गैस एजेंसी में जमा करना होगा अपने दस्तावेज के साथ, तो आपका जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कनेक्शन मिल जाएगा दोस्तों। अगर उज्ज्वला योजना से जुड़ी बात यहीं और करें तो केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 3 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया, लेकिन पहले महीने सबने सिलेंडर उठाया, दूसरे महीने भी उठाया, लेकिन तीसरे महीने अनेक लोग नहीं उठा पाए, क्योंकि यह एक सिलेंडर जरूरी नहीं है कि एक महीने ही चले, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। यही कारण है कि 3 सिलेंडर मुफ्त लेने की समय सीमा आगे बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दी गई है। तो कोरोना काल में गरीबों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से केंद्र सरकार ने राहत पैकेज के तौर पर PMKGY शुरू की है, और इस पैकेज के तहत उज्ज्वला के लाभार्थियों को 1 अप्रैल से 3 महीने की अवधि के दौरान 3 गैस सिलेंडर मुफ्त रिफिल करने की सुविधा भी प्रदान की गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जान सकते हैं कि जो काफ़ी लोगों का एक सिलेंडर छूट गया था दोस्तों, तो वो सिलेंडर पाने के लिए अब जो है इसकी समय सीमा जो है सितंबर तक कर दी गई है। क्योंकि दोस्तों कई लोगों ने दूसरा सिलेंडर रिफिल तो किया था, लेकिन सबका जो है एक ही महीने नहीं चलता, किन्हीं किन्हीं का 2 महीने, किन्हीं का 2.5 महीने भी चलता है। तो इस वजह से छूटे हुए गैस धारक अब अपना जो है वो रिफिल उठा सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं तो अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।